दोस्तों नमस्कार, एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्टर रिपेयर करना। इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो, जो इस इन्वर्टर में फॉल्ट है, किसी भी कंपनी के इन्वर्टर में फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि ये इन्वर्टर बिल्कुल डेड है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। चलिए इसी को समझ लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आ गए हम इन्वर्टर पास, ये स्विच ऑन करते हैं, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना कोई लाइट जल रही, ना कुछ जल रही इन्वर्टर की भी। चलिए ये स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, क्योंकि ये चार्जिंग पॉइंट है, और ऑफ करके ये टैप को हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो लाइट चालू कर देते हैं। लाइट चालू करने के लिए हमें इस टैप को बाहर निकालना होगा। यहाँ फेस देख लिया, फेस तो आ रहा है। अब इस टैप को हमने बाहर निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इन्वर्टर के पीछे वाले टैप को भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा टाइट है इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। चलिए हम इसको इस तरीके से निकाल लिए। निकाल करके अब जहाँ से हम चार्जिंग पॉइंट निकाले थे वहीं पे इसको हम लगा देते हैं। लगाने के बाद देखते हैं कि लाइट हमारी चालू हो गई, यानी कि चालू हो गई, जो इन्वर्टर पॉइंट थे वो सारे पॉइंट चालू हो जाते हैं, लेकिन इन्वर्टर की कमी दूर नहीं हुई है। तो इसको क्या कि हम बैटरी के तार को कनेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस वजह से, क्योंकि बैटरी पर हमारा डाउट जा रहा था, इस वजह से हम बैटरी के कनेक्शन देख लेते हैं। तो ये हमने इन्वर्टर को हटाया और इसके पीछे देखते हैं बैटरी के कनेक्शन को। तो बैटरी के ब्लैक वाला तार तो अपनी जगह पे सही से टाइट है, लेकिन रेड वाला तार आप देखेंगे कि ये देखिए सही से टाइट है, लेकिन ये रेड वाला तार टूट के, यानी गल के कट के गिर गया है। तो इसी को समझ लेते हैं, क्या इसको जोड़ने से लाइन चालू हो जाएगी या नहीं चालू होगी। चलिए इसको हम खोलते हैं और इसको छील करके जोड़ के आपको को। दोस्तों देखिए ऊपर से इन्वर्टर हटा दिया मैंने, इसके बैटरी के टर्मिनल को देखते हैं, बहुत सारा कार्बन लग गया, उसे बैटरी के पॉइंटों में कार्बन लग जाता है, और ये कार्बन लगने से ही तार जल के कट के गिर गया है। अगर ये 5-6 महीने बाद इस पर पानी डाल दिया जाता तो ऐसा नहीं होता। चलिए अगर ये खुल जाता है, आसानी से नहीं खुलता है, तो इस पर पानी डाल देंगे और खुल जाएगा। इसे ये तो खुल रहा है पॉइंट। चलिए आगे हम खोल के तार बोल्ट मैंने जुगाड़ किया है, इसी में अच्छे से तार को बांध लेंगे, क्योंकि वाशर भी नहीं है और लक्स भी नहीं है, इस वजह से इसी से हम बांध करके और इसमें टाइट लगाते हैं। और ये आप देखेंगे हल्का सा स्पार्किंग होगा, लेकिन ये चलने लगता है, सही से काम कर रहा है। अब इसमें करंट नहीं मारेगा। अब उसके नट को हम बांध देते हैं, अच्छे से बांध देंगे, जिससे कि लूज न रहे। लूज भी जो है, और थोड़ा सा अगर ग्रीस मिल जाती तो इसमें लग। दोस्तों चलते देखिए, हम बैटरी के टर्मिनल को टाइट कर दिए हैं, प्लस को, यानी प्लस रेड तार को प्लस में, ब्लैक तार को माइनस में टाइट कर दिए हैं। बिस्किट ढक्कन को रख करके इसके ऊपर इन्वर्टर रखेंगे। ये इन्वर्टर को मैंने रख दिया। इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो दोस्तों, सब में यही बैटरी की अगर प्रॉब्लम है, बैटरी का तार टूट गया है, तो यही प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम इस टैप को अब वहाँ से निकाल लेते हैं। ये पीछे का इन्वर्टर वाला है और ये इन्वर्टर चार्जिंग का टैप यहाँ पे हम लगाते हैं। लगाने के बाद ऑन करते हैं स्विच को, ऑन करिए, ये ऑन किए। अब हम देखेंगे कि इन्वर्टर हमारा चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ। आप देख पा रहे हैं कि इन्वर्टर चालू हो गया है, इसके टोटल फंक्शन अपने काम करने लगे हैं। और अब इससे कि आपको ये कन्फर्म हो गया, चलिए अब हम देख लिए सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम इसके इन्वर्टर के तार भी पीछे वाला टैप नहीं लगाए हैं, ये पीछे वाले टैप को लगाते हैं और चालू करते हैं। और ये देखेंगे आप, लगते ही ये थोड़ा सा पीछे साइड में है, ये लगा दिए। अब देखेंगे लाइट हमारी चालू हो गई। इस तरीके से हम इन्वर्टर को सही कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए